नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज डॉट कॉम। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे निर्मला सप्रे साहिबा हैं, बीना से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। पिछले दो बार जब वो चुनाव लड़ी, पहले तो वो लड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का, चुनाव हार गई 2013 में। फिर महेश राय के खिलाफ मुकाबला हुआ लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि उनको बार बार टिकट देती है, इस बार क्या उम्मीदें हैं? बात करते हैं निर्मला सप्रे जी से। बहुत बधाई आपको टिकट मिलने। धन्यवाद भैया। और तीसरा के चुनाव मैदान में हैं आप, नगर पालिका, एक को विधानसभा और फिर से बीना विधानसभा का। कांग्रेस पार्टी का टिकट आपको मिला है, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, जैसे कि मेरा नगर पालिका का चुनाव था तो ये चुनाव मैं हारी नहीं थी। एक्चुअली जब जिसकी सरकार होती है और प्रशासनिक की वजह से मुझे काउंटिंग में हरा गया था और मेरी करीब 1800 वोटें रिजेक्ट कर दी थी। 2013 का चुनाव पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव ऐसा था कि जहां पर 54 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में आई थी। चूँकि मेरा पहला मध्य प्रदेश का चुनाव, मेरा विधानसभा का चुनाव था, नॉन पॉलिटिकल थी, परिवार में कोई ऐसा मंत्री संतरी नहीं था जो मुझे अनुभव दे सके, तो ये था। तो वो मेरा उस टाइम पे अनुभव नहीं था। लेकिन 2013 से लेके आज 2023 तक मैं लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रही हूँ, लोगों की आवाज़ उठाई हूँ, हर उनकी समस्या को मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने उजागर किया है और उनके समाधान के लिए मैंने उनसे मुकाबला भी किया और धरना प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि 2013 और 2023 की निर्मला सप्रे में जमीन आसमान का अंतर है। आज मेरी पूरी तैयारी है, मुस्तैदी से हमारे यहाँ पर सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि निर्मला सप्रे 24 घंटे काम करती है अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और बीना की जनता जनार्दन के लिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीना में कितनी गुंडागर्दी है। पिछले 25 वर्षों में बीना के विकास को इनने 50 साल पीछे छोड़ दिया है। कई ट्रेनों के स्टॉपेज थे लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, तो यहाँ पर ट्रेनों के स्टाफ बड़े तो नहीं है, उल्टा कम हो गए हैं। यदि विकास की बात करें तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, लेकिन बीना की जनता का कोई विकास नहीं किया है। भारी से भारी 50% की कमीशन सरकार है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप ओवरब्रिज की देखिए, वहाँ पर गड्ढे हुए हैं, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन गड्ढे पड़ गए। कहीं ना उन्होंने भ्रष्टाचारी किए। ऐसे भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए, गुंडागर्दियों को ख़त्म करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा पूरा संगठन मुस्तैदी से तैयार है, बूथ पर तैयार है, ये हमारी तैयारी है। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बीना से अपना नाम का ऐलान नहीं किया कौन प्रत्याशी होगा, क्या लगता है आपको, इजी महेश राय रहेंगे या कोई और रहेगा? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि मेरा चुनाव ना तो महेश राय से है ना किसी और से, हमारा चुनाव है फूल से, नरेंद्र मोदी से, शिवराज सिंह से। मैं उस तरह उस लेवल की तैयारी कर चुकी हूँ, कोई भी प्रत्याशी हो हमें उससे डटकर मुकाबला है। इनकी रीति नीति जो जन विरोधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, 50% कमीशन की है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम बीना की विधानसभा से और पूरे मध्य प्रदेश से बाहर करेंगे। सही कहा आपने कि जब नगर पालिका का जब चुनाव लड़ी थी, 2013 का जब चुनाव लड़ी थी, तो उस निर्मला सप्रे में और इस निर्मला सप्रे में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम जब इंटरव्यू लेते थे हम आपका, तो बोलने में बहुत फ्लुएंसी नहीं थी, कैमरा देख के बहुत शर्माती थी, लेकिन 10 साल लगातार आप कह रही हैं तो आपकी बातचीत से तो लग रहा है कि आप किस अंदाज में जनता के बीच में गई हैं, विपक्ष बन के आपने आवाज़ उठाई है। मुद्दा क्या रहेगा मेन आपका? हमारा विकास का मुद्दा रहेगा कि जहां पर हम लोग की शिक्षा स्वस्थ और जल जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो विकास, ये हमारे तीन मुद्दे रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा है, पिछले 25 वर्षों से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति अगर उनकी स्कूलों और कॉलेज में देखें तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। यदि हम लोग शिक्षा पर एक और बात के लिए प्रकाश डालना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो शिक्षित युवा वर्ग हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो पढ़ते तो हैं लेकिन कहाँ तक पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए और जिस जैसे कि नौकरी करनी है उसके लिए स्पेशल शिक्षा के लिए उनको बीना से बाहर जाना पड़ता है। तो हमारा पहला ये प्राथमिकता रही है कि जो हमारे युवा भाई हैं
उनके लिए एक मेडिकल, जो कि पहले से हम लोग की मांग है, तो उनके लिए एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाए। दूसरा यहाँ पर एक जो हमारा महाविद्यालय है, एक्चुअली वो क्या है कि वो दूसरे विश्वविद्यालय से अटैच है जो काफ़ी दूर है। यहाँ पर जो युवा आती हैं जो पढ़ते हैं उनकी यहाँ पर कोर्स भी नहीं मिलते, क्योंकि या तो यहाँ बरकतुल्ला लगता या फिर अपना यूनिवर्सिटी लगती, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या हरी सिंह गौर विद्यालय, ये जो पास में है, लेकिन यहाँ पर इनके कोर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारा जो महाविद्यालय उसके कोर्स यहाँ नहीं मिलते। तो हमारी पहली दूसरी प्राथमिकता ये रही कि जो हमारा महाविद्यालय उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तीसरी हम लोग की ये मांग है कि बिना जिला बनाओ की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, आदरणीय शिवराज सिंह आए, वर्तमान विधायक महेश राय जी भी आए, इनने कई बार वादे किए और यहाँ तक ये भी कहा कि भाई हमें अगर मैं अपने कार्यकाल में इनको जिला नहीं बनाता हूँ बिना को, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री आए, ये तो घोषणा भी रहे, घोषणाएँ करते हैं और चले जाते हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि हम कितनी घोषणाएं कर चुके हैं। ये तो सिर्फ उसी टाइम पर रहते हैं कि हमें क्या करना है, दिया दिया बस ये करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग 2023 में अपनी सरकार बनाएंगे और हम आपको ये भी बात करना चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी घोषणा भी नहीं है, वे तो अपना वचन निभाते हैं। इसके लिए हम लोग ने बिना जिला बनाने के लिए चर्चा भी हो चुकी है और आदरणीय कमलनाथ जी ने एक मंच के माध्यम से हम सभी बिना वासियों के सामने ये कहा था कि बिना में को जिला बनाया जाएगा और साथ में जो बीना नदी परियोजना आदरणीय कमलनाथ जी ने दी थी, जिसमें से 40 गांव के किसान जो नहर से वंचित हो गए हैं, कमलनाथ जी ने जोड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार और यहाँ के जो मंत्री संतरी हैं उनने उनको देश पूर्वक यहाँ पर बीना के गांव को काटा है। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि बीना के जो 40 गाँव हैं और जो काटे गए हैं नहर से उनको पुनः जोड़ा जाए, जिससे हमारे बीना के किसान भाइयों को फायदा मिल सके। साथ में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो उनके कई महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं बीना के और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जैसे महिलाओं के लिए 1500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली बिल फ्री और 200 में हाफ, किसान भाइयों के लिए 2 लाख तक का कर्ज माफी, 5 हाउस पावर की मोटर फ्री और 1 लाख रुपए तक की राशि कन्या विवाह के लिए, ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं और निश्चित रूप से मानिए पूरी महिलाएं युवा। इतने सारे मुद्दे बता रही हैं। जी जी, मैं फिर जाता हूं पीछे की तरफ। जी जी, कहते हैं कि आप नगर पालिका का हारी, फिर 13 में आप जो चुनाव हारी, फिर शशि केथुरिया हारे विधानसभा का 2018 में। बीना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से खटीक समाज जिससे आप आती हैं वो चुनाव नहीं जीत पाता यहाँ से, इस जो ये भ्रम है या जो चीज़ बनी हुई है इसको तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा तीर है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं। यदि खटीक समाज का व्यक्ति नहीं जीतता तो यहाँ पर से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वीरेंद्र खटीक जी। ये क्या खटीक नहीं है, कोई अलग से पैदा हुए? आदरणीय हमारी बड़ी बहन अनीता कैथोरिया यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रही, ये खटीक नहीं है, ये भी खटीक हैं। अभी वर्तमान में हमारे 2 पार्षद हैं खटीक समाज के, ये दोनों ही खटीक हैं। क्या ये खटीक नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फितूर है, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर प्रबल दावेदार आगे आएँ। उनको डर लेता है खटीक समाज के लोगों से कि कहीं ये लोग आएंगे, और पीछे आप पिछला चुनाव देखिए, 2018 का चुनाव देखिए, मात्र कितनी वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ 25 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है, लेकिन मात्र कितने, 250-300, वो भी आप जानते हैं कि ढाई, जब नज़दीकी मुकाबला होता है तो सत्ता का उसमें दखल अंदाजी होता है, तो उनको जबरदस्ती हराया गया है। 250 वोटों से हारना कोई हारना नहीं कहलाता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं कि खटीक समाज के लोग आएंगे तो इन लोग को काफ़ी दिक्कत होगी टकराने के लिए। खटीक समाज के लोग, हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, समाज का कोई महत्व नहीं होता, हर वर्ग हम लोग सब लोग। अच्छा, एक बार बताओ आप जी, ये आप इतनी आप कह रही हो फील्ड में काम करते हो, जनता की सेवा करते हो, जनता के मुद्दे उठाती, ये टिकट जितनी आसानी से कांग्रेस में निर्मला सप्रे ले आती है ना, कोई नहीं ला पाता। जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने हमारा संघर्ष नहीं देखा? यदि आप देखा है, आप मेरी फेसबुक आईडी चेक कर लीजिए,
पर डे 24 घंटे निर्मला सप्रे अपने क्षेत्र में रहती है। यदि मैं यही कह रहा हूँ कि आप जनता के बीच में रहती हैं, लेकिन जनता के बीच में रहने वाले भी कई सारे नेता ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश के और इलाकों में नहीं मिला, लेकिन निर्मला सप्रे को जितने आसानी से टिकट मिलता है। आसान बिल्कुल कोई भी राय नहीं। आप ये देखते कि 2013 के बाद लगातार 10 साल का मेरा कार्यकाल रहा है और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं, यहाँ की जनता ये बैठी है, आप पूछ लीजिए आपसे कि इन लोगों ने देखा है कि मैं दिन रात इनके लिए खड़ी रहती हूँ, तो क्यों ना वो मुझे पसंद करेंगे। और जाहिर है जब हम इन लोग से ऐसा नहीं कोई जनता है नहीं है, ये बिना के हमारा एक एक परिवार का एक एक व्यक्ति परिवार जैसा है, बिना तो यही मेरा परिवार है। क्योंकि मैं तो राजनीति में 15 साल से हूँ, तो मैंने बिना का एक एक नागरिक को कभी ये जनता या वोटर के रूप में नहीं देखा। हर एक व्यक्ति को मैंने अपना भाई, हर एक बुजुर्ग को मैंने अपने माता पिता, हर एक महिला को मैंने अपनी बहन माना। और निश्चित रूप से आप मानिए, जब हम परिवार का लगाव हो जाता है तो ये निश्चित रूप से आपको पसंद करेंगे। और यही कारण है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो भी सर्वे करवाए, आगे से जो AICC के सर्वे आए, उन सभी सर्वे में हमारे बीना विधानसभा के मेरे सभी सम्माननीय मेरे भाई बंधु ने सबने खुलकर मेरा सपोर्ट किया। और यही कारण है कि सर्वे के आधार पर मैं टॉप रही, किसी भी सर्वे में मैं सेकंड नहीं आई हूँ। मैं आपको ये वादा करती हूँ, कहीं ना तो हमने निर्मला सप्रे ने इनके दिलों में जगह बनाई है। और यही रहा, हमारे संगठन के लोग भी हैं ये भी कहते हैं कि यदि हमारी जो सबसे कर्मठ कार्यकर्ता है वो है निर्मला सप्रे, इन सभी का भी सहयोग रहा है हमारे लिए टिकट में। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी जब कहेंगे, क्षेत्र की आवाज़ उठाएगी, तो बड़े नेताओं को टिकट तो देना ही था। आगे के सफ़र के लिए, आने वाले चुनाव में प्रचार के लिए और तमाम चीज़ों के लिए सागर टीवी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बधाई। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निर्मला सप्रे जब 2008-09 में जब ये चुनाव लड़ी थी नगर पालिका का, तो हम भी बहुत जूनियर पत्रकार हुआ करते थे, हम भी इतने फ्लुएंट कैमरे से मुखातिब नहीं होते थे, कैमरे के पीछे अपनी बाइट लिया करते थे। और जब निर्मला सप्रे का इंटरव्यू करने आते थे तो कहती थी कि भैया ज़रा सोच समझ के जवाब देना, मैं बोल ज़्यादा नहीं पाती। अब हम भी कैमरे से बहुत फ्रेंडली हो गए, वो भी राजनीति में भाषण जबरदस्त देने लगी। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।